हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ट्रैवलॉगर मास में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और मुझको इंस्टाग्राम ट्विटर में फॉलो कर लीजिएगा, आईडी नीचे लिख के आ जाएगी। और इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ खून खास, ये जो एक एनजीओ है जो ब्लड प्रोवाइड कराता है जो नीडी पर्सन होते हैं, और साथ ही साथ उसके 1 लाख से ऊपर डोनर्स हैं, ब्लड डोनर्स, और उसकी क्या स्टोरी थी और उसको मिस्टर केतन ने जो उसके फाउंडर है उन्होंने क्यों स्टार्ट किया था। आज के ब्लॉग में सब चीज़ों को कवर अप करेंगे। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और छोटे के इंट्रो के साथ स्टार्ट होता है आज का ब्लॉग। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। Next level.
आई होप सो कि आपको दोनों स्केच सेव ब्लड सेव लाइफ के, पहला तो ये है और दूसरा भी दिखाता हूँ आपको ये, आई होप सो कि आपको दोनों स्केच बहुत ही अच्छे लगे होंगे। चलिए जो मैंने आपको टॉपिक शुरुआत में बताए थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले खून खास, थोड़ा सा ये अलग तरीके का नाम लगता है, इसके बहुत से मीनिंग निकलते हैं, पर इसका जो मेन मोटिव था एनजीओ का, सबसे पहले मैं बताना भूल गया आपको, सॉरी, ये खून खास एक एनजीओ है जो नीडी पर्सन को, सच एज द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर, एनीमिया, ईटीसी, और जिसका एक्सीडेंट हो जाता है उसको एडवांस ब्लड चाहिए होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, फॉर मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, फॉर रेगुलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स, उसको ब्लड चाहिए होता है, या आपकी ब्लड में आरबीसीज कम हो जाते हैं तब भी ब्लड चाहिए होता है, और आजकल कोरोना में प्लाज्मा चाहिए, मीन्स जो लोग रिकवर्ड हो रहे हैं उनका प्लाज्मा लिया जा रहा है, कि जो लोग अनरिकवर्ड मीन्स जो लोग पेशेंट हैं उसके उनको, क्योंकि प्लाज्मा क्या होता है, वो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो आउटर एनिमीज से अटैक करते हैं, मीन्स उनसे प्रिवेंट करते हैं बॉडी को। चलिए तो मेन जो एनजीओ है, एनजीओ खून खास, उसका ये मोटिव है कि वो लोगों को खून प्रोवाइड करता है, ब्लड प्रोवाइड करता है, और उसके बहुत सारे डोनर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। वो एनजीओ क्या होता है, वो फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दे डोंट टेक अ पेनी फ्रॉम यू। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं मिस्टर केतन से आपको संबोधित करता हूँ। मिस्टर केतन हु इज द फाउंडर ऑफ एनजीओ खून खास, जब वो 15 ईयर्स के थे तब क्या हुआ, एक उनका एक इंसिडेंट हुआ कि उनकी कोई टीचर थी, उनका कोई भी एक्सीडेंट मीन्स कोई भी पर्पज से उन्हें कुछ हो गया, एनीथिंग विच हैपेंड, और उनको खून की बहुत ज़रूरत थी, पर उनको समय पर खून नहीं मिल पाया जिससे उनकी डेथ हो गई। वो उनको एक तरीके से सदमा बैठ गया और उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे इंडिया में खून की कमी है। इंडिया में पर सेकेंड 10,000 एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें से बहुत की डेथ हो जाती है एडवांस, और बहुत को खून की जरूरत पड़ती है और बहुत को नहीं मिल पाता। शायद आप लोगों ने मूवी देखी होगी सुल्तान, जिसमें उनका जो सन बॉर्न था उसकी 18 घंटे तक सर्वाइव किया उसने, फिर उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसके पास लैक ऑफ ब्लड था, मीन खून की कमी थी उसको, और उसका ओ नेगेटिव था जो पूरे आसपास गांव में नहीं था। उसी तरीके की कंडीशन हुई थी उनकी टीचर के साथ, जो उनको ब्लड नहीं मिल पाया था, पर उन्होंने 16 साल की उम्र पे उन्होंने 2016 में एनजीओ की स्टार्टिंग कर दी थी। कुछ गिने चुने 5-6 लोग थे इन्होंने स्टार्ट किया था, पहले तो मिस्टर केतन हो गए और 4 उनके फ्रेंड्स हो गए या उनके फैमिली मेम्बर्स हो गए, उन्होंने स्टार्ट किया था। अब उनकी पूरी वॉलंटियर मीन्स इतने सब साथ मिलकर एनजीओ चलाते हैं, मिस्टर केतन को मिला के टोटल 250 वॉलंटियर्स हैं उसके, और साथ ही साथ 1,00,000 डोनर्स हैं ऑल ओवर इंडिया जो एवर रेडी डोनर्स हैं, मीन्स वो आपको जब जरूरत पड़ेगी तब वो डोनेट कर सकते हैं ब्लड। बहुत ही अच्छी बात है, और उनकी ये मेहनत के लिए मैं क्लैप करूंगा, और आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग खून खास इंस्टाग्राम पे आ जाएगा, नीचे नाम लिख के फॉलो करिए उनको, और उनकी वेबसाइट है, अगर आप डोनर बनना चाहते हैं डोनेट करिए, और उसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे एक जगह छोड़ रखी है मैंने, आज इधर थोड़ा सा बैठा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरा स्क्रीन शॉट की लाइनें आ जाएंगी, आप देखिएगा। प्रॉपर फॉर्म्स होते हैं A to Z, मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन कर दूंगा, बहुत से आर्टिकल्स छपे हैं इसके ऊपर, बहुत से डोनेशन कैंप्स हुए हैं, वो सब कुछ मैं नीचे लिख दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे नाम है खून खास सिंपल, पीछे आप देख सकते हैं, बैक करके 10-20 सेकेंड्स आपको पता चल जाएगी, और अगर आप नेट पे सर्च करेंगे khoonkhas.org आ जाएगा। और आई शुड थिंक दैट उन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कदम लिया, और कितने लोगों की अभी तक वो 4 साल में जान बचा चुके होंगे और अभी भी बच रही होगी खून देने से। बहुत से लोग हैं जैसे कि जो ब्लड कैंसर से सर्वाइव कर रहा है, मीन उसका पेशेंट है, तो उसको तो हर 15-20 दिन में ब्लड चाहिए होता है, तो उसको हर 15 दिन में ब्लड वो प्रोवाइड करते हैं। मैं आपसे ये अपील करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को ना करिए पर वीडियो के अंदर जो लिंक है उसको ओपन करिए, उनकी वेबसाइट को शेयर करिए, उनके इंस्टा पेज को अपनी स्टोरी पे लगाइए, लोगों को जागरूक करिए उनके प्रति, क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी उम्र, मेरी भी उम्र 16 है और उनकी 16 थी,
उन्होंने इस उम्र में ही इतना बड़ा एनजीओ खोला। कोशिश करी, बहुत सी प्रॉब्लम्स उन्होंने भी फेस करी होगी, आइदर इकोनॉमिक आइदर फैमिली, और बहुत कुछ सपोर्ट नहीं मिला होगा उस समय। पर अब आप चेक कर सकते हैं उन्हें कितने लोग फॉलो करते हैं, और वो एक प्रॉपर टीम है। मीन्स अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप बहुत नीड है ब्लड में, तो हेल्पलाइन नंबर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, फ़ोन कर सकते हैं और आप डोनेट भी कर सकते हैं। और उनकी प्रॉपर कैसे फंक्शनिंग होती है कि वो ऑल ओवर इंडिया आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और आप ऑल ओवर इंडिया उनको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आप उनके डोनर बन सकते हैं। अभी तो वो ऑल ओवर गुजरात, कर्नाटका, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, इन सब बड़े बड़े मॉडर्न पॉलिटिकल सिटीज़ में हैं, इवन लखनऊ में भी हैं, पर वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फॉर्म फिलअप करना है, जो मैं यहाँ साइड शो कर चुका हूँ, और डिस्क्रिप्शन में आप जाके कर सकते हैं। उस फॉर्म में आपको डोनर बनना है, या अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ब्लड बैंक हर सिटी में, मीन्स हर शहर में ब्लड बैंक होता है, आपको वहाँ ब्लड बैंक में जाना है और आपको उनके हेल्पलाइन नंबर से बात करना है कि आपको या तो खून देना है, या आपको ज़रूरत है तो वो उनसे बात करेंगे, और या तो खून ज़रूरत होगी तो आप खून दिलवाएंगे। और अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो आपका नाम, मीन्स आप दोगे तो खून खास को, पर आपको यहाँ पैसे की उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती, क्योंकि ये ईजी नहीं होता किसी भी ब्लड को स्टोर करना, वो ब्लड बैंक या गवर्नमेंट ही स्टोर करती है, इंडिया की हेल्थ सेंटर्स होते हैं वही स्टोर करते हैं गवर्नमेंट। तो उनको आप दे दीजिएगा ब्लड, वहाँ से आप बात कर सकते हैं। इतनी भी डिस्क्रिप्शन है, इतनी भी जानकारी आपको चाहिए, आप स्क्रीन शॉट से ले लीजिएगा जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर आपको स्क्रीन शॉट से नहीं मिल रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर चेक कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत यूज़फुल लगी होगी, और जो स्केच मैंने बनाए हैं ये भी आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और आई वुड से अ लॉट ऑफ थैंक्स टू मिस्टर केतन, इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया और लोगों की जान बचाई, उसके लिए आई विल से मस्ट थैंक यू। एंड आई होप कि आपको ये आर्ट एंड क्राफ्ट टॉक कुछ यूज़फुल लगी होगी, कुछ नॉलेज पर्पज़ लगी होगी। और अगर आप डोनेटर बनना चाहते हैं तो डोनेट करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। अगर आपको कोई प्रोसेस में डिफ़िकल्टी आ रही है, वरना आप नीचे हेल्पलाइन नंबर कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया उस पर आपको contact@khoonkhas.com और आपको उसका व्हाट्सएप नंबर ही मिल चुका है, वहाँ से उनसे बात कर सकते हैं। और अगर आप वॉलंटियर बनना चाहते हैं, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं उनसे कॉल करके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में एक नए तरीके से। और आई वुड से यू सेव ब्लड सेव लाइफ, डोनेट ब्लड सेव लाइफ, क्योंकि ब्लड के बिना आपकी जो बॉडी होती है वो सेम ऐसे हो जाती है बिना पेट्रोल के मोटरसाइकिल और बिना डीजल के कार, सेम ऐसे ही होती है। एंड आई होप सो आप में से बहुत से लोग समझते होंगे ब्लड की अहमियत कीमत, तो डोनेट करिए। और डोनेट करने में कोई बुरी बात नहीं है, डोनेट करने से आपके बॉडी को एक नया ब्लड बनाने का टाइम मिलता है, वो एक नया ब्लड बनाती है जो आपके लिए बहुत ही मच यूज़फुल है, मीन्स आपके अंदर नया खून बनता है, और जो आपका वो पुराना जो खून आप डोनेट करते हैं वो किसी की लाइफ बचाता है। तो आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं किसी की लाइफ बचा के। तो आई होप सो कि आप लोग डोनेट करेंगे, और आप ईयर में दो बार डोनेट कर सकते हैं, पर आई वुड से आप डोनेट एक बार करिए, पर करिए ज़रूर। और चिंता मत करिए, अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आपसे नहीं लिया जाएगा, आप एलिजिबल नहीं हैं, पर 18 साल के बाद आई वुड से जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो डोनेट करें। और बहुत से कैंप्स होते हैं आपके घर के पास ही होते होंगे, वहाँ पर जाके भी आप डोनेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप खून खास को ही दें, आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी भी एनजीओ या किसी भी सोसाइटी लाइक लॉयंस क्लब, बहुत सारे रोटरी क्लब्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, उनको भी दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आई होप सो कि आप लोग इन्जॉय करे होंगे, आपको नॉलेज पर्पस कोई इंफॉर्मेशन मिली होगी, तो शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिएगा, और खून खास को ज़रूर फॉलो करिएगा और उनसे बात करिएगा, कुछ नॉलेज अगर आपको चाहिए हो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।